नमस्कार, माई सेल्फ जय किशन प्रताप सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर, 6 टाइम गेट क्वालिफाइड, हाईएस्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 100। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है गेट एई जेई पीएसयूज में 6 ईयर्स इन दिस फील्ड। 6 साल हो गए मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए इन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अब मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर थर्मो वाला, जहाँ पर हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की और उसके साथ साथ कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स की भी बात करेंगे, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को रिलेट करना है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि YouTube पे और भी बहुत सारे चैनल हैं, और भी बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका ही क्यों देखना है, आपका ही चैनल क्यों देखना है। तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं बताऊँगा, मैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सभी चीज़, इवन यहां तक मैं आपको बताऊं कि मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, मतलब आदि से लेके अंत और अंत से लेके अनंत तक सारी बातें करूंगा। आपकी जो रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम, वो थर्मोडायनेमिक्स से कैसे सॉल्व होंगे वो भी मैं बताऊंगा। और जो चीजें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, वो भी मैं इसी से ही बताऊंगा। क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी, क्या होता है नेगेटिव एनर्जी, ये भी मैं इसी में बताऊंगा। मैं यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस की भी बात करूंगा, मैं यहाँ पे आइंस्टीन की भी बात करूंगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे भगवत गीता की भी बात करूंगा। कैसे भगवत गीता, या हम कैसे कह सकते हैं कि कैसे थर्मोडायनेमिक्स जो भगवत गीता से रिलेटेड है, कैसे थर्मोडायनेमिक्स जो आइंस्टीन से रिलेटेड है, कैसे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारे हॉकिंस से रिलेटेड, इन सारी चीजों का हम यहाँ पूरा और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। चीजों को जोड़ जोड़ कर हर एक छोटी छोटी चीज क्या कैसे क्या चल रहा है, यहाँ तक कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जैसे जनरली अगर हम बात बोले कि अगर मैंने बम खा लिया या किसी ने बम खा लिया, खाली मतलब वही बम, वही फटने वाला, अगर मैंने खा लिया तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि यार बम खाएंगे फटेगा, शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे, फट जाएगा शरीर, तो फट जाएगा। ये बात तो रिक्शे वाले को पता है, हर किसी को पता है। आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप में और उसमें क्या अंतर है, आपने 4 साल पढ़ा है, उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि बम खाने से फट जाएगा, चीथड़े उड़ जाएंगे, तो उसमें उसमें आप में कोई अंतर नहीं रहा। 4 साल की डिग्री क्या अंतर रहा, तुम बताओ क्या अंतर है। जैसे जब हम बम खाएंगे तो बम फटेगा, फटेगा इन दिस सेंस अंदर गया, वो जब फटेगा तो क्या आप बोले चीथड़े, तो चीथड़ नहीं, हम यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे कि हमारे पार्टिकल जो है शरीर के बॉडी को दूर दूर जा रहे हैं, और पार्टिकल जब दूर दूर जाएंगे रैंडमनेस आएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और जहां कहीं भी रैंडमनेस डिस्टर्बेंस इन सब की बात आती है तो वहां किसकी वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एंट्रोपी। मतलब उस बम के खाने से जब वो फटेगा तो सिस्टम की या उस आदमी की एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी। तो चीथड़े वर्ड इज नॉट ए टेक्निकल वर्ड, ये हर कोई जानता है। अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल इंजीनियर, जो हम मैकेनिकल इंजीनियर है, यहाँ पे हम चीथड़े वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे कि ड्यू टू दिस बम खाने से जो फट रहा है इससे हमारी एंट्रोपी इंक्रीज कर जा रही है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर जा रही है। इसी तरीके के रोचक तत्व जो है, तथ्य जो है, कैसे क्या चीजें रिलेट होती, कैसे क्या भगवत गीता कैसे यहां पे आ सकती है, आइंस्टीन कैसे आ सकते हैं, कैसे हॉकिंस आ सकते हैं, कैसे भूत प्रेत यहां पे आ जाएंगे, और बहुत सारे रोचक तथ्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी थर्मोडायनेमिक्स से बात करेंगे। और मैं यहां पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको उन कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कैसे जोड़ना है, कैसे उनको विजुलाइज करना है, कैसे न्यूमेरिकल सिर्फ सॉल्व नहीं करना है बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन की, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम उनको भी कैसे सॉल्व करना है, वो मैं अपने इसी चैनल पे थर्मो वाला पे आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको देखना है, जानना है, समझना है एग्जैक्टली है क्या थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए थर्मो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक तरीके से ग्रंथ है पूरा ये। तो अगर आपको जानना है, समझना है कि क्या कैसे क्या रिलेशनशिप है इन सभी चीज़ों का थर्मोडायनेमिक्स से, तो फिर मेरे चैनल को थर्मो वाला को सब्सक्राइब करिए, लाइक डिसलाइक जो मन में है वो करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।